धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में पंजाब और महाराष्ट्र बैंक के माध्यम से लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत में लोग हैं। लगभग 1 लाख खाता धारक है जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में कल्याण से है, बदलापुर से, डुमरौली से, उल्लासनगर से, अंबरनाथ से है, भिवंडी से है, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की पूंजी वो बैंक में रखी है और उनके बच्चे अभी शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा उनके फीस भरने का पैसा उनके पास नहीं है। रिजर्व बैंक ने कुछ बंधन लगा के रखे है कि 1 महीने में 40,000 रुपया खाली निकाल सकते हैं। लोग बहुत परेशान है, उनकी पूरी दिवाली अंधेरे में गई। 6,000 मिलिट्री रिटायर लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी पूंजी इस बैंक में रखी हुई है। कुछ लोगों को अस्पताल के इलाज के लिए पैसा नहीं है। जो गवर्नमेंट सर्विस में लोग थे उनके रिटायरमेंट का पैसा अपना घर चलना चाहिए, इसलिए उन्होंने सेविंग अकाउंट में रखा है। उनके ब्याज से उनका घर चलता था, वो भी सारा बंद हो गया है। उनके खाने की मौत हुई है और लगभग आज तक 10 लोगों की मौत हुई है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय का और रिजर्व बैंक का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कई इन लोगों को सहूलियत देने के लिए जिनका पैसा फंसा हुआ है, जल्द से जल्द उनका पैसा उनको मिले, ऐसा निर्देश वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक को दे। धन्यवाद सर।